फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 2022। एक फिक्की केपीएमजी के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 65,000 करोड़ की हो जाएगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दो अमलम और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग भारत सरकार के हाथों में आ गई है और इसका देख रेख इंडियन गवर्नमेंट ही कर रही है। तीन एक रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि साल 2018 में 118.4 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में थे और 2019 में यह आंकड़ा 130 मिलियन के पार पहुंच गया था। चार, मैं आप सभी को बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, यहां हर कोई हर किसी को सपोर्ट करता है जिससे लोगों का बढ़ना आसान हो जाता है। पांच, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिस्क फ्री बिजनेस है क्योंकि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको कोई भी आदमी आसानी से कर सकता है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति बोला गया है। एक और बात यह है कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अगर आदमी आज के जमाने में 15,000 से 20,000 में काम करे तो वह अपने परिवार को भी अच्छी तरह से नहीं चला पाएगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक आदमी 3 से 4 साल तक अच्छे से और पूरी ईमानदारी से मेहनत कर दे तो वह अपनी हर जरूरत और सारे सपने पूरे कर पाएगा तथा 5 साल में अपने काम से रिटायर हो सकता है। यदि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो डायरेक्ट सेलिंग करना मजबूरी होगा फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 2022 पसंद आया हो तो कृपया करके आप सभी हमारे इस वीडियो को अपने टीम के हर मेंबर के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह सभी लोग भी डायरेक्ट सेलिंग करना मजबूरी होगा को समझकर पूरे जोश के साथ इस बिजनेस को कर पाएंगे। आपके टिप्पणी का हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।